हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रॉल पर आई एस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको कवर कर रहा हूँ मैं अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियर्स ऑफ एग्जामिनेशन 2021 के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि इंजीनियर्स ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? जितने भी मैं यहाँ पे आपको टू द पॉइंट्स चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके मोर देन सफिशियंट है। आपको और करंट अफेयर्स का कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में आपके मिनिमम 8 to 12 क्वेश्चन आएंगे। आपके बहुत बहुत मैक्स टू मैक्स आपके 8 to 12 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आपको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशियंट है आपको, और अदर सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो अपने टेक्निकल पर फोकस करिए अपने। क्लियर? और जनरल स्टडी के अदर सब्जेक्ट पढ़िए, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके। क्लियर? तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि आप मिनिमम 70 to 80% क्वेश्चन आपको इन करंट अफेयर्स से नोट से आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली करंट अफेयर्स कवर करता हूँ यहाँ पर, तो अक्टूबर में भी आपका सेम होगा। 1st of October टू 30th of October 2020 करंट अफेयर्स होंगे इसमें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी हाईली सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है ये मोदी जी का। उन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था इसको, और स्वच्छ भारत दिवस और ये आपका गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया गया है सर, स्वच्छ भारत दिवस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कवर किए मैंने आपको। आप लोग सही से मेमोराइज कर पाए, रिकॉल कर पाए चीज़ों के लिए इससे, इसलिए रिलेटिव फिगर भी मैंने ऐड किया है हर एक पॉइंट के पास में। क्लियर? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन में है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन। क्लियर? आप UPSC में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपली इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए इतना मोर देन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है ये आपकी। स्वच्छ भारत अवार्ड में सबसे पहला पॉइंट है आपका यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर। तो यहीं पे आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा आपका ये स्वच्छ भारत अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। क्लियर? तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत गिव द स्वच्छ भारत अवार्ड टू स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स एंड विलेज पंचायत। तो ये जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। किस किस को? स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, ब्लॉक्स को, विलेज पंचायत को। तो हम यहाँ पे सिर्फ कवर करेंगे स्टेट के नाम, जो टॉप मोस्ट स्टेट रहे हैं जिनको ये स्वच्छ भारत अवार्ड मिला है। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक्स, विलेज पंचायत को लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी चीज़ें। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है द अवार्ड्स वर गिवन पर्टिकुलरली अंडर द ड्रिंकिंग वाटर एंड द क्लीनिंग कैटेगरी। आपको पता होगा कि ड्रिंकिंग वाटर और क्लीनिंगनेस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे तीन कैटेगरी में हैं बेसिकली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फर्स्ट है अंडर द स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी। इस कैटेगरी में गुजरात वन द स्टेट लेवल, गुजरात ने यहाँ पे स्टेट लेवल में फर्स्ट है यहाँ पर। क्लियर? और अंडर द सामुदायिक शौचालय अभियान, सामुदायिक शौचालय अभियान में गुजरात एंड उत्तर प्रदेश बोथ है, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश पर अवार्ड एज द बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेटेड। क्लियर? थर्ड है अंडर द गंदगी मुक्त भारत मिशन, गंदगी मुक्त भारत मिशन में हरियाणा और तेलंगाना पर अवार्ड एट द टॉप स्लॉट। क्लियर? तो आप इतनी सी इंफॉर्मेशन याद कर सकते हैं, सफिशियंट है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ भी तो बिल्कुल बेकार है आपके याद करने के लिए और आपका टाइम खराब करने के लिए वो सिंपली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम। फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम थीम्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, थीम्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके ये सब एग्जाम से पूछ सकते हैं। थीम ऑफ दिस एडिशन इज इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन द वर्ल्ड ऑफ चेंज। याद करके रखना पड़ेगा फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम। इसके कुछ एनर्जी मैप्स भी बने हुए हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो उनको भी याद करना आपको। क्लियर? देखिए द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द नीति आयोग एंड द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका, याद रखिए आप लोग। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द, किसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एंड द इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये आपको याद रखना होगा, ऑर्गेनाइज बाय द नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है, तो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मीटिंग इज द डिलीवर अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या क्या करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम समझना है कि क्या क्या बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं टू एक सस्टेनेबल एनर्जी को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए किस तरीके से एनर्जी को यूज करना है
to understand the best practice, discuss a reform and inform strategy for the accelerating investments into the Indian oil and the gas value chains. Clear? तो इसके लिए कुछ सेवन ड्राइव्स भी बनाए गए हैं, सेवन ड्राइव्स ऑफ द इंडिया एनर्जी मैप की। अगर आप इन फ्यूचर किसी भी चीज़ को एनर्जी को लेकर मैप कर रहे हैं तो आपको ये सेवन ड्राइव्स कंसीडर करके रखने पड़ेंगे अपने पास। एक्सेलरेटिंग आवर एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। अगर फर्दर कहीं मूव कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो आपको गैस बेस्ड इकोनॉमी मेंटेन करनी होगी, रखना होगा। क्लियर? क्लीनर यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल पर्टिकुलरली पेट्रोलियम एंड कोल। आपको क्लीनर यूज करना पड़ेगा, किसका? फॉसिल फ्यूल जो भी अवेलेबल है अभी, और पर्टिकुलरली पेट्रोलियम और कोल्स का। ग्रेटर रिलायंस टू द डोमेस्टिक सोर्स ऑफ द ड्राइव बायोफ्यूल्स। ये है अचीविंग द रिन्यूएबल टारगेट ऑफ द 450 गीगावाट बाय 2030। इस तरीके से गोल्स अचीव करने हैं। आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी ड्राइव से लेके आ रहे हैं, तो आपको ये सारे आपके एनर्जी गोल्स मैप होने, एनर्जी मैप्स में आनी चाहिए सारी चीजें। इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू डीकार्बोनाइज द मोबिलिटी, मूविंग इन टू द एनर्जिंग फ्यूल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। आपको इंक्लूड करना हाइड्रोजन फ्यूल्स को आपको इंक्लूड करना है। डिजिटल इनोवेशन एक्सेस ऑल टू द एनर्जी सेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सेवन ड्राइव्स हैं। बस सिंपली याद नहीं करनी आपको, बस थोड़ा आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर? तो फोर्थ एनर्जी, आपकी फोर्थ इंडिया एनर्जी फोरम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अटल टनल। इसको हम पीर पंजल रेंज में है आपका ये अटल टनल। ये लगभग 9 किलोमीटर लॉन्ग है और ये आपका सबसे बड़ा आपका जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट हाईवे टनल है आपका ये अटल टनल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अटल टनल, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, जो हाईवे बना हुआ टनल है एट रोहतांग ऑन द अक्टूबर 3, 2020 इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया, इनॉग्रेटेड बाई पीएम मोदी। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोग मैप में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होगा लेह और यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा लाहौल और लाहौल स्पीति वैली में आपका ये इस तरीके से आप लगभग 46 किलोमीटर की आपका ये बाईपास था जो ट्रेवल करके जाना पड़ता था। लेकिन अभी आपका ये अटल टनल डायरेक्ट कनेक्ट करेगा इनको और स्पीति वैली को मनाली से। तो सिंपली 9 किलोमीटर आप पूरे 46 किलोमीटर को कवर कर लेंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। द 9.02 किलोमीटर लॉन्ग टनल बिल्ड एन एटीट्यूड ऑफ 3000 मीटर विल कनेक्ट मनाली, ये मनाली को कनेक्ट करेगा। यहाँ पे ये मनाली होगा आपका हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति वैली में, यहाँ पे लाहौल हिमाचल प्रदेश टू द लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर। क्लियर? तो मनाली से हिमाचल प्रदेश में टू लाहौल स्पीति वैली। क्लियर? तो ये आप याद रखिए, मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। नेक्स्ट, इट विल ग्रेटली असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेस की मूवमेंट के लिए भी काफ़ी ईजी होगा और असेसमेंट के लिए उनके लिए काफ़ी ईजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट में भी काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में। तो इट वाज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन द 2018 में इसको इनिशिएटेड किया गया टू क्रिएट एन आईटी बैकबोन फॉर द आयुष। अब ये आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, आईटी के सेक्टर को इंक्लूड किया जा रहा है। क्लियर? तो ये आपका आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट बन जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज द कोलैबोरेटेड टू डिजिटलाइज द आयुष सेक्टर अंडर दिस प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल सा, सिंपल ये पॉइंट आपको याद करके रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं किस तरीके से कि डिजिटलाइज किया जा सके, किसको? आयुष सेक्टर को, जो मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही थी आयुष के थ्रू, उस आयुष सेक्टर को डिजिटलाइज किया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट, आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एएम हब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब, कंट्रीज फर्स्ट एवर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम द्वारा। ये एएम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब,
एम हब इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब एंड इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. ये फर्स्ट काइंड का है आपका कंट्री में. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गाइडेंस विल ज्वाइंटली एस्टेब्लिश एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. दोनों की ज्वाइंट वेन्यू की था सब. और सबसे ज्यादा इसमें एफर्ट लग रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का, जो उस तरीके से आप ज्वाइंटली स्टेब्लिश कर रही हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु में. क्लियर. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब विल हेल्प द स्टेट इन द सेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी एंड टेक्सटाइल्स. तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के द्वारा. कहाँ पर? तमिलनाडु में. सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबिलिटी एंड टेक्सटाइल्स. आई थिंक ये सफिशियंट डाटा है, इससे आगे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. चलिए देखते हैं अक्टूबर 7th आपका ये वर्ल्ड कॉटन डे. यहाँ पे डेट लिखी हुई है अक्टूबर 7th सेलिब्रेट एज वर्ल्ड कॉटन डे. ऑन द सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे जूनियर मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी जी लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ब्रांड फॉर द इंडियन प्रीमियम कॉटन कॉल्ड द कस्तूरी कॉटन. ये आपको फर्स्ट आपका जो कॉटन था इंडिया का उसको पहली बार उसको ब्रांड नेम दिया गया है. फर्स्ट एवर ब्रांड नेम इंट्रोड्यूस किया गया उसको बोला है कस्तूरी कॉटन. द ब्रांड लोगो वाज आल्सो अनाउंस्ड ऑन दिस ओकेजन. इस ओकेजन पे जो आपका सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया गया है 7th ऑफ अक्टूबर को, उस दिन आपका कस्तूरी कॉटन ये आपका ब्रांड भी लिया है और उसको लोगो भी मिला इंडिया को. तो इंडिया को लोगो भी मिल गया है इसके कॉटन के लिए. कस्तूरी कॉटन जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन, क्लियर. और इसका एक लोगो भी मिला है. काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. इंडिया प्रोड्यूस 6 मिलियन टन्स ऑफ द कॉटन एवरी ईयर. 6 मिलियन टन्स कॉटन प्रोड्यूस करता है इंडिया पर ईयर. दिस इज द अबाउट 23% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन एंड ऑल्सो 51% ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक कॉटन. ये 51% काफ़ी बड़ा अमाउंट है. 51% ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनिक कॉटन इन यूज इन द इंडिया, क्लियर. तो ऑब्वियस है काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे बहुत सही रहा है कि कस्तूरी कॉटन नाम का इस तरीके से ब्रांड मिला है यहाँ पे कॉटन को, इंडियन कॉटन को. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट यहाँ पे कपिला कलाम प्रोग्राम. कपिला कलाम प्रोग्राम ये आपका कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेरी एंड अवेयरनेस. यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्लियर. और ये द कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेरी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक. ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. इट इज द कलाम प्रोग्राम फॉर द इंटेलेक्चुअल, जैसे आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप रिसर्च वर्क हो रहा है, कुछ लिटरेचर पेपर हैं, रिव्यू पेपर्स हैं, या फिर कुछ भी आपकी रिसर्च वगैरह कुछ भी वर्क हो रहा है, तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इस कंट्री की, क्लियर. तो इट इज अ कलाम प्रोग्राम फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे लिटरेली एंड द अवेयरनेस कैंपियन है आपका. ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कलाम प्रोग्राम किससे रिलेटेड है. तो आपसे पूछ सकते हैं प्रोग्राम रिलेटेड फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड द अवेयरनेस कैंपियन. Through this program, Government of India will spread the awareness and the importance of the patenting and the invention. Clear? जो भी आपके inventions हो रहे हैं, patents आ रहे हैं, review papers आ रहे हैं, कुछ भी आपका literary work हो रहा है इस तरीके से, literacy work हो रहा है, वो आपका आएगा इस category Kapila Kalam program में. तो ये important for the IP literacy initiative के लिए काफी सही है ये program. चलिए देखते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये बेसिकली 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इंडिया और यूएसए का एक बाईलेटरल मिनिस्ट्रियल डायलॉग है और जिसमें सिंपली स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड किया जा रही है डिफेंस सिक्योरिटीज को और सर्विसेज को, क्लियर. 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के थ्रू On the 27th of October 2020, India and US held the third bilateral 2+2 ministerial dialogue in New Delhi. तो ये सबसे important हो गया आपका कि आपका New Delhi में सबसे पहले ये ministerial dialogue इस तरीके से held किया गया है, third bilateral 2+2 ministerial dialogue in Delhi में. India and US signed the landmark defence pact. India और US ने क्या sign किया है? Defence pact BECA. BECA basic exchange and कॉपरेशन एग्रीमेंट ये साइन कर दिया इंडिया और यूएसए ने. बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर किसके लिए? जियो स्पेट्रिकल कॉपरेशन टू एक्सपेंड
geospatial information, geospatial information sharing between the armed force of the these two country. मतलब जो भी geospatial information आ रही है satellites के through, वो आपस में दोनों countries share करेंगी, India और US. इस तरीके के pact sign हुआ है BECA. BECA मतलब basic exchange of cooperation agreement. में बार बार इसका इसलिए emphasize कर रहा हूँ उस चीज पे कि important point है आपका, clear? BECA जो significance, it is allow India to use global geospatial maps of the United States for accuracy of the stand of weapons like cruise and ballistic missiles. क्लियर? तो इन सब चीजों की अगर एक्यूरेसी चाहिए तो जियोस्पेटिकल मैप्स बहुत अच्छे एक्यूरेट होने चाहिए, और इसके लिए इंडिया और जैसे इंडिया और यूएस ने ये आपका पैक्ट साइन कर लिया है BECA, तो इसके थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे. टू साइड्स विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट इन द डिफेंस सिक्योरिटी एंड अदर एरिया. क्लियर? तो ये दोनों साइड हैं जो इंडिया और यूएस, इंडिया और यूएस है, तो वो सिंपली दोनों साइड कंट्रीब्यूट करेंगे, एक साथ वर्क करेंगे और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे किसको, डिफेंस सर्विसेज को और इन अदर्स एरिया ऑफ जियोस्पेटिकल. क्लियर? चलिए देखते हैं इसको. मैंने स्ट्रेटेजी के भी काफी अच्छे तरीके से कवर किया. 19th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. चलिए मैं इसके बारे में थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ. जैसे शंघाई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं यूपीएससी के एग्जाम में. शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंट, आपकी ये एक इंटर लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ये. क्लियर? और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में है आपका इसका हेडक्वार्टर, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पूछ सकते हैं आपसे शंघाई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ सकते हैं आपको. बेसिकली इसका बनाया किस लिए गया था, अगर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो पॉलिटिकल इशू आ रहे हैं, इकोनॉमिकल इशू आ रहे हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन इशू आ रहे हैं, जो और कुछ आपकी बेसिक जो आपकी सिक्स कंट्रीज थी उनके बीच में यूरोपी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी, कुछ एशियन कंट्रीज थी, उनको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड कराने के लिए उनका बेसिक एम था कि उनके बीच में एक पीस और सिक्योरिटी और जो भी आपस के जो मतभेद है उनको सॉर्ट आउट करके सिंपल सी एक सिक्योरिटी और पीस स्टेब्लिश करना था इन सब बीच में. ठीक है? और ये शंघाई चाइना में 15th of जनवरी 2001 में इसको स्टेब्लिश कर दिया गया था सर ऑर्गेनाइजेशन को. और इसमें जो इनिशियल जो मेंबर थे यहाँ पे, वहाँ पे जैसे चाइना है, कजाकिस्तान है, काजिकिस्तान है, रशिया है और तुर्किस्तान भी था, उज्बेकिस्तान है, और इसमें रिसेंटली आपके इंडिया और पाकिस्तान को भी ऐड किया गया है. इंडिया और पाकिस्तान आपके ऐड हुए हैं 2011 में. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, रफ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिए आप लोग. अगर अच्छी बात है अगर संघ कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं काफ़ी टाइम एग्जामिनेशन में, जब पहले सिर्फ जनरल स्टडी पेपर सेपरेट नहीं था जब. क्लियर? मैंने आपको जस्ट बता दिया यहाँ पर. चलिए देखते हैं 19th ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO. इंडिया होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड द फॉरेन ट्रेड. क्लियर? तो भी जो आपके ये आपकी इंडिया ने होस्ट किया था इस मीटिंग को, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने होस्ट किया था 19th मीटिंग ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और मिनिस्टर ऑफ द फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड्स जो भी इसके मेंबर्स थे उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग, ये लिंक शेयर की गई थी यहाँ पे. वर्चुअल मीटिंग हुई जो कोविड के थ्रू आपको पता है सारी चीजें प्रॉब्लम्स में है, तो वर्चुअल मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल. पीयूष गोयल जी आपकी है, पीयूष गोयल जी, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी ये वर्चुअल मीटिंग कंप्लीट हुई यहाँ पर. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया श्री पीयूष गोयल सर हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पीयूष गोयल. वर्चुअल मीटिंग वॉज अटेंड बाई दी सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO, जो आपके सेक्रेटरी जनरल थे SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, एंड मिनिस्टर और मिनिस्टर फ्रॉम द क्रेजी रिपब्लिक एंड द कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, इन सभी के मेम्बर्स भी थे यहाँ पे. क्लियर? तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस पॉइंट के बारे में. जाना जो भी इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर की यहाँ पे. बस ये इंपॉर्टेंट है इस बार कि ये 19th मीटिंग आपकी इंडिया ने
होस्ट की थी यहाँ पर, होस्टेड बाई इंडिया। चलिए, स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व योजना, आपकी स्वामित्व योजना और ओनरशिप स्कीम, जो भी इस पर्टिकुलर लैंड का, जैसे रूरल एरिया में काफी डिस्प्यूट्स होते हैं चीजों को लेके, लैंड को लेके, उनके मैप प्रॉपर नहीं होते हैं तो वहाँ पे काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में फार्मर्स को ले के बीच में, तो उस सब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई। स्वामित्व स्कीम और ओनरशिप स्कीम एम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक यूज ऑफ ड्रोन्स, जैसे ड्रोन का यूज करके प्रॉपर मैप को मॉडिफाई करके, जो भी उसका ओरिजिनल, जो भी ऑथेंटिक उसका ओनर होगा उसको ओनरशिप कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा स्वामित्व योजना के थ्रू। इट विल क्रिएट प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड, ये प्रॉपर एक प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए फॉर द लैंड लैंड्स इन द विलेज एंड द एम्पावर रूरल पॉपुलेशन विल ग्रांट ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग देयर ओनरशिप ऑफ देयर लैंड टाइटल्स, जो भी उनके लैंड टाइटल्स में होंगे प्रॉपर, तो उनको एक तरीके से प्रॉपर लीगलाइज, उनके पास डॉक्यूमेंट अभी भी हैं लेकिन इस तरीके से प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर, इट विल क्रिएट प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड। सिंपल है, सिंपली आप लोग इसमें इतना याद रखिए, स्वामित्व स्कीम में ये एक सिंपल सी स्कीम है, ओनरशिप स्कीम है जो रूरल एरियाज में फार्मर्स और विलेजर्स को प्रॉपरली उनके प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड कराएगी और उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी। प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना इसके थ्रू, बस इससे ज्यादा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका निशार सैटेलाइट, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्लियर, फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। ये आपका निशार सैटेलाइट इज शेड्यूल टू बी लॉन्च बाई 2022। दिस वॉज शेड्यूल आफ्टर द इंडियाज After India and the USA decided to share space situation awareness information with each other, दोनों ने मिलकर decide किया, India और USA ने decide किया कि जो भी इससे जो भी space situation awareness जो भी information निकल कर वो एक दूसरे के साथ share करेंगे। इसलिए आप लोग देखें यहाँ पे jointly आपका NASA और ISRO का आपका ये joint venue है। The mission was developed the launch as a synthetic अपर्चर रडार, जैसे देख सकते हैं आप ये सिंथेटिक अपर्चर रडार, द रडार विल बी कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड इट विल बी कैरिड बाय एन अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट, जो यहाँ से ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजे जाएंगे जो अर्थ के ऑर्बिटल सैटेलाइट में जो भी होंगे उनसे द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे। क्लियर, तो ये दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं निशान सैटेलाइट के बारे में, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफी क्रिटिकल कंडीशन है इंडिया की, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 194 आउट ऑफ 107 कंट्रीज जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंक्लूड की गई हैं, उसमें आपकी इंडिया की रैंक 94th रैंक है। क्लियर, तो काफी फूड जो हम लोग वेस्ट करते हैं उसकी वजह से भी कंडीशन काफी खराब है, तो चीजों को ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज एंड इट पुट द सीरियस हंगर कैटेगरी, उसको बहुत सीरियस हंगर कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। जैसे आप यहाँ पे देखिए इंडिया का ये आपका येलो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये सीरियस कंडीशन में रखा गया है क्योंकि रैंक काफी वर्स्ट है यहाँ पे इंडिया के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रियान, इसरो टू लॉन्च वीनस मिशन इन 2025। इसरो लॉन्च करेगा वीनस मिशन 2025 में। द मिशन इज टू बी स्टडी एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री कंपोजिशनल वेरिएशन एंड द डायनेमिक्स ऑफ द प्लैनेट वीनस, तो जो भी स्टडी करनी है यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, कंपोजिशनल वेरिएशन से रिलेटेड, डायनेमिक्स ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड, वीनस की जो भी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है इसरो को, उसके लिए आप इसरो लॉन्च करेगा आपका ये सुक्रियान, सुक्रियान लॉन्च करेगा आपका ये, और ये होगा इसरो टू लॉन्च वीनस मिशन 2025। Sukriyaan to be launched in 2025. About the Venus, Venus के बारे में जैसे आपको normally पता होगा, simple सा point लिखा है मैंने, Venus is the hottest planet of the solar system. It is also called as the Earth's twins. The surface temperature of the Venus reaches 880 degree Fahrenheit. चलिए देखते हैं quad meeting के बारे में यहाँ पर, quad meeting. अगर हम लोग क्वाड मीटिंग के बारे में बात करें यहाँ पे, तो क्वाड मीटिंग
ये एक इनफॉर्मल सेटअप तरीके का आप लोग बोल सके, इनफॉर्मल सेटअप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट का। क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में, नीचे साइड यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की इन्फ्लुएंसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में उसके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए आपकी क्वाड मीटिंग्स की जाती है। यहाँ पे क्वाड मीटिंग द सेकंड मीटिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वाज हेल्ड इन द टोक्यो। तो सबसे पहली बात याद रखनी है कहाँ पे होल्ड हुई आपकी इस सेकंड मीटिंग, टोक्यो में होल्ड हुई। द क्वाड्रिलेटरल सेकंड डायलॉग और द क्वाड इज द इनफॉर्मल सेटअप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। ये चारों, ये इनके आपको नाम, कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। क्लियर। द एम टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड द सिक्योरिटी ऑपरेशंस अमंग दी फोर कंट्रीज। इनके बीच में जो भी, इन सभी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है डिफेंस और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन अमंग दीज फोर कंट्रीज। इन सभी फोर कंट्रीज में के बीच में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, किसी डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग। क्लियर। द आइडिया वॉज ओरिजिनली क्वाइंड इन 2007 बाई द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर सिंजो एवे। जो सिंजो एवे थे, इन्होंने 2007 में इस आइडिया को क्वाइंड किया था। इट वॉज प्रपोज टू चेक China's growing influences and arrestiveness in the Indo-Pacific region. इस पर्टिकुलर जो इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पर चाइना के Indo-Pacific region में, उसको चेक करने के लिए क्वाड, ये आपका क्वाड का फॉर्मेशन 2007 में। क्लियर। तो ये याद रखिए कि इसकी सेकंड मीटिंग होल्ड कहाँ पे, रिसेंटली टोक्यो में। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल IL इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 35 ऑफ द ईयर। 35 साल बाद यहाँ पर इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है किसकी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि 35 साल बाद मिली है यहाँ पर। तो द करंट लेबर सेक जो आपकी सेक्रेटरी बनी है, अपूर्व चंद्र बनी हुए, इनका नाम याद रखिए अपूर्व चंद्र। वैसे बहुत कम नाम याद कराता हूँ, क्योंकि इन्हीं सबसे एग्जामिनेशन नहीं आते इस तरीके से, फिर अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं आती यहाँ, तो आपको इनका नाम याद करना है। लेकिन अपूर्व चंद्रा हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। ILO के बारे में लिखा भी है यहाँ पे, ILO वाज क्रिएटेड इन 1990 बाय द वर्साइल पैक ट्रीटी। तो वर्साइल पीस ट्रीटी थी, उसके थ्रू आपका ये 1990 में बना था। इट्स सेक्रेटेड इन द जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसकी जो सेक्रेटेरिएट है या फिर हेडक्वार्टर बोले आप लोग, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इट हैज 187 कंट्रीज ऑफ द 193 यूनाइटेड मेंबर स्टेट। जो 193 यूनाइटेड स्टेट मेंबर्स हैं, उनमें से 183 में इंक्लूडेड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। 187 मेंबर्स हैं, इतना याद रखिए आप लोग। अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स, अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स, अनेमिया मुक्त भारत। अनेमिया मुक्त भारत एज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड हैज बीन लॉन्च्ड टू रिड्यूस द प्रीवेलेंस ऑफ द एनेमिया ऑल ओवर द इंडिया। तो इन दोनों का जॉइंटली इंट्रोड्यूस किया था और इसके थ्रू रिड्यूस करना था, लॉन्च किया था और इसके थ्रू ये लॉन्च किया आपका अनेमिया मुक्त भारत, और इसमें रिड्यूस करना है प्रीवेलेंस ऑफ द अनेमिया, अनेमिया को कम करना ऑल ओवर द इंडिया। तो रिसेंटली जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, इट इज अ रिसेंट रिलीज स्कोर कार्ड ऑफ द अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स। ये अनेमिया मुक्त भारत के रिसेंटली स्कोर कार्ड यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो हरियाणा टॉप के यहाँ पर, तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हरियाणा वाज रैंक्ड एज अ टॉप स्लॉट विद द अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स। उसका स्कोर कितना आउट ऑफ 146.7, काफी अच्छा स्कोर है। हरियाणा काफी हेल्दी लोग हैं, रहते हैं आप हरियाणा में, तो वैसे आप लोग थोड़ा गैस कर सकते हैं अनेमिया मुक्त भारत। क्लियर। अनिमिया की बात करें तो अनिमिया इज अ कॉज ड्यू टू द आयरन डिफिशियंसी, पता होगा आप लोगों को आयरन डिफिशियंसी की वजह से अनिमिया होता है। दिस कंडीशन लैक्स इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स और सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडीज टिश्यूज, दस मेकिंग द पर्सन फील्स टायर्ड एंड द वीक। लैक्स ऑफ द हेल्दी ब्लड रेड ब्लड सेल की वजह से आपका अनिमिया होता है आपका, जब रेड ब्लड सेल्स के काउंट्स कम हो जाते हैं आपके। यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, या आपको ऑब्जर्व किया जाता है 15th of October एवरी ईयर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे। हर साल APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को ऐसा
वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या रही है साल की? थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, इंपॉर्टेंट याद रखिए, थोड़ा बहुत सिंपल सा। लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। चलिए देखते हैं, किसान रथ ऐप। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द किसान रथ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स ग्रेन्स एंड प्रीवियस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, तो इसके लिए आपका किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया था टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं, एक बार फार्मर्स के जो भी प्रोड्यूस्ड है उसको मंडी तक पहुंचाना और मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए जो भी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है, उसको एक ऐप के थ्रू कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। डेवलप बाई द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। जितनी भी इंपॉर्टेंट ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉन्च किए जाते हैं वो NIC के थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर, नोबल प्राइज बना 2020। इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ जो भी आपके नोबल लिटरेचर्स हैं याद कर लीजिए, मैंने आपको सिंपली नाम दिए हुए इनके और किस फील्ड में मिला हुआ है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी। तो ये सिंपल से नाम दिए हैं और उसके नाम के बाद कंट्रीब्यूशन भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो नोबल प्राइज इस जो आपके विनर्स हैं और फील्ड्स हैं उनके और कंट्रीब्यूशन याद कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।